आई थिंक द स्टोरी चोज मी मोर देन एनीथिंग. मुझे मुझे सैडली एंड जेन्युइनली पता नहीं था इस स्टोरी के बारे में, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, आई थिंक मोस्ट ऑफ अस डोंट नो द रियल स्टोरी ऑफ मुरलीकांत पेटकर जी, विच व्हेन आई हर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम तो मुझे एक्चुअली लगा कि ये अनरियल है ये स्टोरी. जब कबीर सर ने मुझे कहानी सुनाई तो मेरा पहला सवाल यही था कि सर ये सच में ऐसा हुआ है या ये फिक्शनल है या क्या है, एंड इट वॉज ऑल फैक्ट्स. उन्होंने सारे फैक्ट्स बताए और ये मुरली सर के साथ उन्होंने वक्त भी बहुत बिताया हुआ था, तो मेरे लिए बहुत ही सरप्राइजिंग और शॉकिंग था ये जानना कि ऐसी स्टोरी ऐसी कहानी और इतने बड़े अचीवमेंट्स हम तक, ये बच्चे बच्चे को पता होना चाहिए. तो ये कहानी मुझे पता नहीं थी, तो आई वॉज जस्ट इन इट, एंड मेरे लिए यही एक बहुत बड़ा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह भी इसको मैंने एक तरीके से लिया था. सो आई फेल्ट कि मतलब आई वॉज इन, मतलब मेरे को जैसे ही कबीर सर ने कहानी बताई और इन्होंने बोला कि ये वन लाइन जो इनकी है कि अ मैन हु रिफ्यूज टू सरेंडर, वो ऑटोमेटिकली मेरा मेरी जागरूकता बढ़ा दी, मेरा जानने का कि स्टोरी में क्या होने वाला है, ये सारी चीज़ें. इट बिकेम लाइक अ मल्टी जॉनर फिल्म जिसमें मेरे लिए सस्पेंस भी बहुत था कि अच्छा आगे क्या होने वाला है, क्योंकि आमतौर पर जब आप कोई बायोपिक या किसी से रिलेटेड फिल्म कर रहे होते हो तो आपको सभी को हमको पता होती है कहानी या उनके हाई पॉइंट्स या उनके लो पॉइंट्स, सबको पता होता है. यहाँ एक कहानी है जिसके बारे में मैक्सिमम लोगों को पता ही नहीं. सो मोर देन मी चूजिंग द स्टोरी, आई थिंक द स्टोरी चूज मी.